चुनाव कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कन्या पूजन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडल में सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। चुनावी कैलेंडर के मुताबिक विजयदशमी के मौके पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी का ध्वज लहराएंगे और विजय संकल्प लेंगे। सभी विधानसभाओं में साथ साथ चुनावी सभाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन में तीन से चार सभाएं करेंगे। 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में जो हमारे जहां मंडलों के सम्मेलन रह गए हैं, वहां पर मंडलों के सम्मेलन होंगे। जहां पर मंडलों के सम्मेलन हो गए हैं, वहां पर बूथ के सम्मेलन होंगे, ग्राम केंद्र नगर केंद्र के सम्मेलन होंगे। इस तरह से ये 10 से 14 तक ये कार्यक्रम चलेगा और 15 तारीख को विजयदशमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा ध्वज है, झंडा है, उसको सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर लगाएंगे और विजय का संकल्प लेंगे। विजयदशमी विधानसभा के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के निवास पर ध्वज पूजन होगा और ध्वज लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता करेंगे।